हम लोग भी कल यही बात कर रहे थे कि इंजरी की गुंजाइश नहीं, जैसे इंजमाम कह रहे हैं। आई मीन अब रिजवान को जब मैंने देखा था एक टाइम पे, एज ए हु विल प्ले रिजवान गेट्स इंजर्ड, यू आल्सो डोंट हैव अ मगर फातिमा, मैं रिजवान का बता दूं, अगर आपने इंडिया का मैच देखा हो, अब लोगों को पता चल गया है कि वो कौन से शॉट्स खेलता है। उस दिन हम भी बैठ के मैं और इंजी बात कर रहे थे, दे डिड द होमवर्क एंड दे रेड कर लिया ना, अब वो उसको इस लाइन पे नहीं दे रहे जहां से वो यूं मारता है, अब वो इस लाइन पे गेंद खोल के बैटिंग नहीं कर रहे, नाउ ही इज प्लेइंग ऑन दैट साइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, है ना। नहीं, अगर आप है ना वक्त के साथ अपनी चीज़ को इम्प्रूव नहीं करेंगे ना, और आप स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि रिजवान ने पिछले साल बहुत स्कोर किया, अब जिस टाइम टीमें आती हैं तो उनका पूरा वर्कआउट हुआ होता है कि जी रिजवान को हमने किधर बॉलिंग करनी है, किधर से पकड़ना है। तो इंडिया वालों की प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त लगी, उन्होंने दो चीज़ पर प्लानिंग की थी, जो जिस तरह रिजवान पे है कि यहाँ ली प्लानिंग की थी, और उन्होंने आउट बॉल जाना क्योंकि शॉर्ट बॉल करने हैं, और उन्होंने शॉर्ट पिच नहीं किए, बाउंसर मारे, शॉर्ट बॉल जहाँ चेस्ट तक होती है वो उन्होंने हाइट पे उस भी सारों को ना हमें मुश्किल हुई है इस चीज़ पे, तो उनका अच्छा प्लान था। और अगर आप पे जो चीज़ है, और अगर आप ग्राउंड के चारों तरफ नहीं खेलेंगे, तो फिर दूसरी टीमें ना ऐसा ऐसा आपको पकड़ लेंगे। उन्हें जिस तरह सफोकेट किया रिजवान को, ही कुडंट प्ले हिज नेचुरल गेम। लोगों ने यही बोला कि देखें उसकी गेंदें ज्यादा हैं, रन्स कम किए, क्यों? इसलिए कि उसके फेवरेट शॉट की तरफ तो उन्होंने बॉल ही नहीं करा है ना। बीच में मिडिल स्टंप पे भी कराते हैं तो वो यूं मारता है, मगर ऑफ स्टंप अटैक किया।